नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय का पुरजोर विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि वह अपनी जायज मांग को पूरा करके रहेंगे, चाहे विरोधी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत अधिवक्तागण दीवानी कोर्ट से जुलूस की शक्ल में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द ग्रामीण न्यायालय के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। प्रभाकर सिंह ने कहा कि तहसीलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजकर जिस तरीके से ग्रामीण न्यायालय के गठन की तैयारी की जा रही है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। तहसीलों में मजिस्ट्रेटों के उठने बैठने और चेंबर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है पूरी तरीके से। चीज को लेकर आप आंदोलित? मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष प्रभाकर सिंह हूँ। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में पूरे जनपद के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेट जब तहसीलों पर जाएंगे, उनके रहने उठने बैठने चैम्बर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी अधिवक्ता समाज पे है, उस अनुक्रम में हम उसका विरोध करते हैं। अगर आपको अदालतें बढ़ाना है, सिविल कोर्ट परिषद में अदालतें बढ़ा दें। अगर गाँव तक न्याय को पहुँचाना है तो हर प्रांत में एक सुप्रीम कोर्ट बना दें, हाई कोर्ट की एक एक शाखा हर जिले में बना दें, तब तो विकेंद्रीकरण। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।